हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप देख रहे हैं डाइन जंक्शन यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है रुपेश। दोस्तों आज चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों आज की वीडियो में बताने वाले दोस्तों बहुत ही कमाल की एक एप्लीकेशन के बारे में। तो दोस्तों इस एप्लीकेशन के मदद से दोस्तों आप अपने फसलों में लगे हुए रोगों को या अपने बागीचे में लगे हुए पेड़ पौधों के रोगों को आप जान पाएंगे दोस्तों एक एप्लीकेशन के हेल्प से। बस उसका दोस्तों जो पत्ती है उसको आपको स्कैन कराना होगा और स्कैन करा के दोस्तों आप ऑटोमेटिकली दोस्तों एप्लीकेशन बता देगा कि इसमें कौन सा रोग लगा, किसकी ज़्यादा संभावना है और इलाज भी दोस्तों बताएगा कैसे उसका इलाज किया जाएगा। तो दोस्तों वीडियो लास्ट तक देखिएगा, मैं एक एक स्टेप आपको बताऊंगा कि किस तरह से दोस्तों क्या क्या करना है। तो एप्लीकेशन दोस्तों बहुत ही बेस्ट है जो आपको मिल जाएगा प्ले स्टोर पर। तो दोस्तों एक बात मैं और आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो के नीचे जो रेड कलर की बटन है उस पर क्लिक करके दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों आइए चलिए मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे आप डाउनलोड करेंगे। तो दोस्तों आपको एप्लीकेशन कैसे डाउनलोड करनी है मैं आपको बता दूं। चलते हैं आप सबसे पहले प्ले स्टोर में, और प्ले स्टोर में जाके दोस्तों यहाँ पे प्लेंटिस इसका नाम है, ये आप सर्च भी कर सकते हैं और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है दोस्तों, वहाँ से आप इसको डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों हम इसको ओपन करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप मेरे लिए नए मेहमान हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो के नीचे जो रेड कलर की बटन है और दोस्तों बेल आइकन तो प्लीज़ दबा लीजिए दोस्तों, इससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो आइए चलिए ओपन करते हैं और बता दें मैं आपको कैसे वर्क करेगा। सबसे पहले दोस्तों ये आपको लैंग्वेज देता है सेलेक्ट करने के लिए, जो मैं पहले सेलेक्ट कर चुका हूँ। और उसके बाद दोस्तों आपको लॉगिन करने के लिए आपका जीमेल मांग सकता है और जो भी परमिशन मांगेगा आप अलाउ कर दीजिएगा। तो दोस्तों आइए, जब आप सारे परमिशन दे देंगे तो आपके सामने कुछ आएगा इस तरह का इंटरफेस। तो आपको कैसे चेक करना है फसल के बारे में मैं आपको बता दूँ। तो यहाँ पर दोस्तों कैमरे का आइकान दिखा रहा है, इस पर आपको सबसे पहले करना होगा क्लिक, और क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको जो भी पत्ती या जिस भी मतलब आपको अगर गैलरी में है वो पत्ती तो वहाँ गैलरी से ले सकते हैं, या तस्वीर लीजिए पे हम करते हैं क्लिक। तो दोस्तों हम देख लेते हैं ये आम की पत्ती है, इसको मैं स्कैन कराता हूँ और यहाँ पे मैंने स्कैन कराया और यहाँ से राइट क्लिक, यहाँ पे दोस्तों राइट पर क्लिक कर देते हैं, यहाँ से देख सकते हैं अपलोड हो रहा है। और अभी हो के दोस्तों इसमें जो भी रोग हैं जो इसके समाधान होंगे दोस्तों ये बता देगा। दोस्तों इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दे रहा है कि फसल की पहचान है आम पर एक बीमारी की तरह दिखता है, हमें सही बीमारी की पहचान करने में मदद करें। तो आप देख सकते हैं दोस्तों शैवाल के कारण आम की पत्तियों पर धब्बा की संभावना 95% है, फिर आम पर पाउडर जैसा फफूंद इसका 58% है, और फफोले उत्पन्न करने वाले आम के कीट हैं, फिर आम पर जीवाणु के कारण काला धब्बा। तो दोस्तों इसमें से जो आपको लगे दोस्तों जिसकी संभावना अधिक लगे उस पर आप क्लिक करके पढ़ सकते हैं और उसकी उसके बारे में आप जानकारी पा सकते हैं। तो आइए दोस्तों मैं इस पर करता हूँ क्लिक और यहाँ पर हम पढ़ते हैं। तो इस पर दोस्तों हम तुलना पहले कर लेते हैं, तुलना करके यहाँ से देख सकते हैं। तो दोस्तों तुलना करने पर दोस्तों लगभग लगभग हमारा रोग हल्का फुल्का मिल रहा है। अगर दोस्तों आपका रोग मिले तभी उस पर क्लिक कीजिएगा, तो मैं आपको यहाँ पे दिखाने के लिए कर दे रहा हूँ दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आप मिला सकते हैं, उसके बाद यहाँ पर वापस आ सकते हैं और यहाँ पर इतना ही पे करते हैं क्लिक। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं पपीते पर आम का कवक दोस्तों एंथ्राक्नोज इसका नाम है दोस्तों इस रोग का, ये फफूंद। और यहाँ संक्षेप में दोस्तों दिखा रहा है फलों पर बड़े गहरे भूरे रंग के घाव अक्सर पानी से लथपथ दिखते हैं। तो दोस्तों जिस प्रकार का हो जैविक नियंत्रण यहाँ पे दे रहा है और रासायनिक नियंत्रण है, तो आप इस तरह से यहाँ पे पढ़ सकते हैं और उसको आप उसका इलाज कर सकते हैं और यहाँ पे और दिखाई पे क्लिक करके और भी ज़्यादा यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं पूरा दोस्तों विस्तारपूर्वक यहाँ से आप पढ़ सकते हैं दोस्तों। इस प्रकार आप जानकारी ले सकते हैं, जो आपको संभावना लगे उस पर क्लिक करके आप पढ़ सकते हैं। तो आइए दोस्तों यहाँ पे, और फिर दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं होम के बगल में समुदाय मिल जाता है और यहाँ से दोस्तों आप समुदाय देख सकते हैं यहाँ पे और अधिसूचनाएँ वगैरह यहाँ से आप पा सकते हैं। तो आइए मैं यहाँ पे मौसम भी है दोस्तों, मौसम की जानकारी भी यहाँ से पा सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं जो टेम्परेचर है दोस्तों कैसा है, तो यहाँ से आप टेम्परेचर वगैरह जान सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों लाइब्रेरी है, तो लाइब्रेरी में जाके दोस्तों आप यहाँ से किसी भी बीमारी का दोस्तों किसी भी जो भी यहाँ से सर्च करके डायरेक्टली दोस्तों उसके बारे में पढ़ सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। तो मैं आशा है दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी दोस्तों, वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगी प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों। अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।